हेलो, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू अलमास टेस्टी ट्रीट्स। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक सिंपल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती है। तो आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में हैदराबादी बघारा बैंगन, जो भरपूर है मसालों से, स्पाइसीनेस से उसके, और एकदम लज्जतदार यह बघारा बैंगन बनता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे अम्मी जान अक्सर ये बघारा बैंगन हमारे टिफिन में दिया करते थे, तो हमें तो बहुत पसंद है ये रेसिपी। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली हुई ये जो छोटे वाले बैंगन हैं वो, कुछ पाउडर मसाले, यहाँ पे कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, इमली का पानी। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, एक पैन में ये मूंगफली, तिल और खोपरा रोस्ट करने के लिए रखी हूँ। और साइड में चलिए, हम यहाँ पे ये जो हमारे बैंगन है उसको कट करके लेना है, उसे अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है। उसके बाद मैंने इस तरह से कुछ कट दी हूँ उसके साइड में, बीच में से, कि इससे हमें पता चलता है कि कोई अंदर कुछ उसके खराबी या कीड़ा वो तो नहीं है। इस तरह से मैंने ये तीनों बैंगन को अच्छे से कट लगा कर ली हूँ, और ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मूंगफली, तिल और खोपरा। तो इसको मैंने ग्लास बाउल में निकाली हूँ। अब उसी ही तवे पे, उसी पैन में मैं एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और दरदरा सा कूटा हुआ ये हमारा धनिया ऐड करूँगी, और इसे भी अच्छे से हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। ये दरदरा सा कूटा हुआ धनिया है, इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और ये जैसे ही अच्छे से थोड़ा रोस्ट हो जाएगा तो उसे हम इस मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अब उसी तवे पे, उसी पैन में ना मैं जो कटा हुआ जो एक मीडियम साइज का प्याज है वो ऐड करूँगी, हरी मिर्च, चार हरी मिर्च। उसके अंदर मैं फिर ऐड करूँगी हमारे जो लहसुन है वो ऐड करूँगी, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, ये सब को भी मैं हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी इस तवे पे और हल्का हल्का उसको भून कर लूँगी, और इसका जो पेस्ट है वो हमारे जो स्टफिंग है बैंगन की उसमें यूज़ करेंगे। ये कुछ अदरक है, इसमें हल्का सा तेल ऐड कर रोस्ट कर लेंगे हम इसे, हल्का हल्का भून कर लेंगे। और साइड बाय साइड मैंने ना एक छोटे से बाउल में ये कुछ इमली थी उसको भिगाने रखी हूँ, इसका पानी हम यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, और उसे हम अभी अच्छे से रोस्ट हुआ है तो उसको एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। और ये ठंडा होने के बाद जो हमारा जो मसाले हैं, जो मूंगफली, तिल, खोपरा, ये सारी चीज़ें जो भी रोस्ट की है उसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में मैं थोड़ा थोड़ा कर पीस कर लूँगी। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो जिससे कि उससे अच्छे फाइन पेस्ट बने। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करिए, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब भी मसाले मैंने इसमें ऐड की हूँ। इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना कर ली हूँ, और इसे मिक्सी जार से मैंने ग्लास बाउल में निकाल कर ली हूँ। ये अच्छा सा जो स्टफिंग का मसाला है वो हमारा बन के रेडी है। अब ये सारे मसाला जो बना हुआ है वो एक एक करके मैं बैंगन में इसकी स्टफिंग भर कर लूँगी। जो हमने कट्स लगाए हैं ना बैंगन को, उसके बीच में अच्छे से अपने हाथों से इसमें स्टफिंग कर लेना है। धीरे धीरे करके जो भी मसालों में स्टफिंग है, यहाँ पे आप एक बार चेक भी कीजिए
कि आपके मसाले में जो स्टफिंग का मसाला बना है उसमें कुछ नमक कम ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूर चेक करके देखिए। जितना स्टफिंग अच्छा होगा उतना आपका बंगारा बैंगन टेस्ट में ज़बरदस्त बनेगा। तो इसी तरह से पूरा पूरे चारों कॉर्नर से जो भी चारों कट्स लगाई हूँ उसके बीच में मैंने अच्छा से मसाला भर ली हूँ। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इसी तरह से मेरे दोनों बैंगन को भी मैं अच्छे से स्टफिंग कर लूँगी। और जो बचा हुआ जो मसाला है उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो मेरे तीनों भी मसाले लग गए हैं बैंगनों को। यहाँ पे मैंने पैन ली हूँ, इसमें ना ये नॉनस्टिक पैन है तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। करीबन मैंने 2 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड की हूँ। जिस तरह जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा ये हमारे जो स्टफिंग किए हुए है बैंगन है इसे मैं यहाँ पे रख दूँगी। महाराष्ट्र में इसे भरल वांग भी कहते हैं। तो इसे ऑयल में हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे थोड़ी देर ढक कर रखी थी मैंने लीड लगाकर, तो माशाल्लाह देखो इस तरह से वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जो हमारी ग्रेवी थी मैं वो ऐड कर रही हूँ। वही ऑयल में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ की हूँ, वही ऑयल में मैंने जो बची हुई ग्रेवी थी हमारी जो मसाला था वो ऐड की हूँ। और इसे अच्छे से भून लेंगे हम 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मैंने जो इमली का पानी थी वो ऐड कर रही हूँ, इससे जो खट्टा मीठा जो स्वाद है वो आता है। और आधा चम्मच इसमें मैं फिर ऐड करूँगी गुड़, गुड़ का पाउडर था तो मैं वो ऐड करूँगी। अगर आपके पास पहले ही आप इमली और गुड़ को भी भिगा कर रख सकते हो, पर मेरे पास गुड़ का पाउडर था तो मैंने ऐड की। और अच्छे से ये सारे मसालों को एक बार हम मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। इसमें मिक्सी जार में जो बचा हुआ मसाला था उसमें मैंने पानी ऐड करी हूँ और जो भी है सारे मसाले इसमें अच्छे से पक रहे हैं अभी। और आपको जितनी पानी चाहिए जितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और इस तरह से पानी ऐड कर मैं इसको आराम से अभी 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दी हूँ। अच्छे से ग्रेवी भी बन के तैयार है। बैंगन का सालन, ये जो बघारा बैंगन है, बैंगन भी अच्छे से गल गए हैं। आराम से इसे 15 से 20 मिनट तक हमें पकाने रखना है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्ला, बड़ी आसान है ये रेसिपी, ये डिश बनाना। और जो इसमें इमली और गुड़ का जो खट्टा मीठा स्वाद है वो भी माशाल्लाह बहुत टेस्ट देता है इस रेसिपी में, ये डिश बनाने के लिए। मैंने इतनी ग्रेवी की थिकनेस रख दी थी, अब चाहते हो तो आप और पानी इसमें ऐड कर सकते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी को। खुद भी बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए। आप बच्चों के लिए लंच में टिफ़िन में ये रेसिपी ये डिश बनाकर ज़रूर दे सकते हो, या घर पे भी खाने के लिए आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इस बघारा बैंगन को रोटी के साथ खाएंगे या फिर जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। बहुत यम लगता है, यम मज़ा आता है खाने में। तो अब भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, खाइए खिलाइए मज़े करिए। और आपको मेरी ज़रा भी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।